तुम्हारी शादी कब हुई थी? होली भाई जी फरार दोस्त के फेरे से मेरा अभी मेरी शादी का सालगिरह आ रही है। कितने साल की थी जब तुम्हारी शादी हुई थी? तब मैं बहुत छोटी थी, बचपन थी, बाबा खूब बड़े थे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज व्लॉग बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। 1 बजे है और कल हमने करा था बेबी का वेलकम, तो ये हमने हटाया नहीं। तो मैंने बोला कि घर में जब तक बाबू यहाँ रुकेगा ना, तो ये मैं हटने नहीं दूंगी, क्योंकि बेबी वेलकम इतनी मेहनत करके मैंने लगाया था, तो मेहनत तो दिखनी चाहिए ना, जब तक है तो है। ये देखो मम्मी भी काम कर रही है, तो मम्मी के कपड़े धुल गए हैं। मम्मी धुल गए कपड़े? और बुआ अब जा रही है नहाने। वो खाने में क्या बनाया आज? दाल चावल। दाल चावल, कौन सी दाल बनाई है? काली मसूर। काली मसूर की। अब वंश स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। तो कौन सा एग्जाम है आज? संस्कृत। संस्कृत बोल के दिखा। मुझे नहीं आती। देख अंजलि, तुझे आती है संस्कृत बोलनी? नहीं, वही जो मुझे गाना आता है ना, पटती पटता, यही सब आता है। तो चलो वंश जा रहा है अभी स्कूल, वो भी पिन्नी लेके। अबे भाई बैग ले जाता, पेपर में सब पिन्नी लाते हैं। पिन्नी लाते हैं। बाय गाइस, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मैंने तो अपने सारे कपड़े रख दिए थे सर्दियों के, अब मैं आज दोबारा निकाल के लाई हूँ ये वाला स्वेटर, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मेरे को तो। और ये देखो प्राची, और ये इस प्राची की फ्रेंड बैठी है धूप में। धूप आ रही है कभी जा रही है, समझ नहीं आ रहा धूप का भी। ये तो धूप में भी देखो शॉल ओढ़ के बैठी हुई है। गाइस कल है जीजू का बर्थडे, तो जीजू पता नहीं कल तो आए थे, लेकिन कल आएंगे या नहीं तो पता नहीं। अगर आ जाते तो हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते जीजू का। और परसों है हमारी महाशिवरात्रि। अम्मा परसों क्या है? अम्मा कैलेंडर देख रही है। क्या? शिवजी जी का बरात। शिवजी जी का व्रत है। तो आज तो तुमने पूजा कर दी? पूजा तो नहाने का रोज कर लो। नहीं आज तो सफाई कर दी थी। हाँ, दरबार के सारे भगवान जी नवा नवा के रखे हैं, दरबार साफ करा सार उतार के। हाँ व्रत रखोगी अम्मा? हाँ व्रत रखोगी? मैं दवाइयाँ खाने वाली, कहाँ व्रत रहूंगी। अम्मा शिवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाते हैं? वो नहीं खाते हैं नमक मिर्च, सेंधा नमक, काली मिर्च का सब दिखाते हैं। पूजा कैसे होती है शिवरात्रि में? पूजा वो चढ़ते दूध, दूध और जल, जल में दूध गेर कर। अच्छा। फूल पत्ती चढ़ाते हैं। हाँ। पत्ती फूल माला वाला खूब चढ़ाओ जो चढ़ाना हो। हाँ। और दूध से नहाओ, न दूध से नहाओ, दूध पानी से नहाओ। तो ये वाली जो पूजा होती है कितने बजे तक करते हैं? वो तो सुबह शाम शाम तक चलती रहेगी, वो चलती रहती है। सुबह कितने बजे चालू हो जाती है? 4 बजे शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे? और क्या, 4 बजे शुरू हो जाती है पूजा। सुबह तो 4 बजे से रोज ही हो जाती है, भगवान जी के मंदिर में देने लगते हैं घंटियाँ। हाँ। आरतियाँ होने लगती है 4 बजे से। हाँ गाइस, मेरे को ना पुरानी पुरानी बातें सुनने में ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ना अम्मा से आज अम्मा की पुरानी पुरानी बातें पूछूंगी। तो अम्मा से पूछते हैं, अम्मा तुम्हारा जब बचपन था तो तुम कहाँ पे पैदा हुई थी? कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट छोटे बाजार, वो भी बड़ा। तुम्हारे फिर कितने बहन भाई थे? 4 बहन 1 भाई। तो बाकी सब कहाँ गए? भगवान जी के पास गए सब। मैं सब में छोटी थी, मैं ही बैठी। तो बस आज अम्मा कहाँ तक पढ़ी हो स्कूल? पढ़ी कहाँ, पढ़ना पढ़ाया तो बतेरा, पढ़ नहीं पाई। क्यों? पढ़ी ना, खेल में ध्यान रहता था, खेलती खेल जा भाई। खेलती रहती थी बस? खेलती रही, वहाँ बहन का घर काम करवाती रहती थी घर का। हमारी पहले फैक्ट्री थी ना अम्मा? वो तो शादी के बाद, वो तो शादी हुई मेरठ में। हाँ। मेरठ मेरठ ही उसे, उनके बिस्कुट की फैक्ट्री थी। हाँ। और तो तुम्हारी शादी कब हुई थी? होली भाई जी फरार दोस्त के फेरे से मेरे, अब मेरी शादी का सालगिरह आ रही है। कब? फरार दोस्त के फेरे से मेरे। फरार दोस्त क्या होता है? अब आ रही है सितर, उसके बाद फरार दोस्त। फरार दोस्त क्या होता है अम्मा? उसमें वो रखते हैं चौक जो पूछते घर के आगे। हाँ। उस दिन से होली तक उसे फरार दोस्त कहते हैं। तुम्हारी शादी की सालगिरह है? हाँ। तो शादी की सालगिरह मनाएंगे हम। तब बाबा कहाँ? मेरे के लिए क्या मनाएगी, वो तो डोरे से मनाते हैं।
तो तुम्हारी शादी को कितने साल हो जाएंगे अम्मा? बहुत साल हो गए, 12 बच्चे हो गए। 12 बच्चे? 12 बच्चे थे तुम्हारे? और क्या, 6 लड़की 6 लड़के। अच्छा, तो कितने साल की थी जब तुम्हारी शादी हुई थी? मैं बहुत छोटी थी, बचपन थी। बाबा खूब बड़े थे, बाबा तो पूरे 20-25 साल के थे, मैं 15-16 साल की थी। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या था? भगवान देई। भगवान देई? पहले के नाम कैसे थे? भगवान देई था। और पापा का नाम क्या था तुम्हारे? बुद्धा लाल। हाँ, जो आता ना बिल्ली वाला, उसे बुद्धा कहते हैं। हाँ, बुद्धा लाल। तुम्हारे दादा दादी भी थे? नहीं, मेरी माँ से पहले, मेरी माँ तो छोटी सी छोड़ कर मुड़ी, मेरी बहन ने पाला, बहन ने करी शादी तो। अच्छा, शादी तो बहन ने करी। तो तुमने अपनी मम्मी नहीं देखी? हाँ देखी, होश है, माँ का होश है, बाप का, बाप तो जम रहे हैं, जब 5-4 बच्चे भी हो गए मेरे। अच्छा, पापा तो, बाप तो बाद में मरे, मम्मी मर गई थी छोटी सी, जब भाई की भी ना हुई ना मेरी हुई, जब तुम छोटे थे, मेरी माँ मरी कश्मीरी गेट। तुम्हारी बहन का नाम क्या था? बहन भाई का नाम क्या था? एक बहन का नाम शीला था, एक का नाम मुन्नी था, एक का नाम रामो था। हाँ। मेरा नाम सावित्री था। हाँ। भाई का नाम जगदीश। जगदीश? जगदीश नाम, वो तो जीजू का भी नाम है। हाँ। भाई का नाम जगदीश था। फिर यहाँ पे कब आए थे? तीनों बहनों से, भाई से सब छोटी मैं ही हूँ। अच्छा, सबसे छोटी हो? तीनों बहनों से भी, भाई से भी मैं ही छोटी थी। तो फिर शादी होके यहाँ पे आ गई थी तुम? शादी होके तो मेरठ गई थी। यहाँ कहाँ आई? मेरठ। मेरठ में हुई थी शादी तो। मेरठ में रहते थे दादा? हाँ, मेरठ के थे, मैं दिल्ली की, वो मेरठ के। अच्छा, शादी होकर मेरठ गई। हाँ। मेरठ से फिर वहाँ पर रहे, 4 बच्चे मेरे मेरठ में हुए, फिर वहाँ से हमारा काम धंधा छूट गया, फिर हम चंदौसी चले गए, फिर चंदौसी में भी यही काम खोला कारखाने का। कारखाने क्या? यही बिस्कुटों की फैक्ट्री। बिस्कुट की फैक्ट्री अपनी थी? अपनी फैक्ट्री थी, 4-5 नौकर काम करते थे हमारे घर में, अपनी फैक्ट्री थी, पूरा घर हम लगा रहता, 4-5 नौकर लगा रखे थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जो बिस्कुटों की बहुत बढ़िया बड़े बिस्कुट, जो बिस्कुट आ रहे ना खाने के, इनसे ही बढ़िया बनाते थे हम। अपने हाथों से बनाते थे? हाँ, सांचे थे, दादा सीखते थे, परदादा। कैसे बनते थे? बनाते थे दादा तो, वो बनाते थे उसकी लेई पे ही। हाँ। सारे गिरते थे। हाँ। और हम काटते थे, भरते थे, थैली पैक करते थे, थैली में गिन गिन के लगाने, गिनने वाले गिन गिन के लगाते, तोलने वाले वैसे भरते, उन्हें पैक करते, ईंटों से गर्म ईंटों से थैली पैक कर करके रखते, फिर बेचने जाते थे? नहीं, आते थे लेने वाले, लेने आते थे घर वाले। फिर वो बंद क्यों कर दिया काम? मेरा लड़का खो गया, उसके चक्कर में हो गया बंद, एक लड़का मेरा उठा के ले गया, उसके चक्कर में ढूंढ ढाने में लग गए, नौकर चाकर छूट गए, काम छूट गया, काम बंद हो गया, हम खाने से भी बेकार हो गए, हम तो खाना भी बेकार हो गया, बस लड़के को ढूंढने में मैं पागल सी हो गई बिल्कुल, मेरे को ठीक करा। तुम्हारे लड़का कैसे खो गया था फिर? ले गया उठा के कोई गली में से, पूनम शांति खिला रही थी, इनसे मांग के ले गया, छोटी थी। तो अभी वो होंगे? हाँ है, कहीं अच्छे बड़े घर में, पूछा बहुत कैरसमान लड़का को उठा के बेच दिया किसी को, किसी पल्ले अच्छे घर में पल्ला, उसको मोटर गाड़ी बंगले सब है, उस घर में है तुम्हारा बच्चा, वहाँ पल्ला। तो तुम्हारा मन नहीं करता मिलने का? दफ्तर पता कहाँ ले गया, कहाँ बेचा पता, जो पंडित ने बताया था, कहता क्यों नहीं, अंदर से दिल रोता हंस रोता। तो याद तो आती होगी? बड़े चीन मर गए, याद तो आती होगी ना? याद तो रोज आवे, रोज याद आवे, मरे कितने मरे याद नहीं आते, तो जिंदगी याद आती। हाँ। जो मर गए वो तो मर गए। हाँ। और जो चला गया वो याद आता रहता। गाइस, पहले जमाने की बात है ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अम्मा ने हमें मेरे को बताया अपनी पुरानी बातें है। बातें तो बहुत सारी हैं, कांटो बताऊं, साथ फूल गई, बात कल बताऊंगी शाम को। कल बताएंगे अम्मा शाम को। अभी तो गाइस अम्मा के 12 बच्चे हुए थे, और अभी तो हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी होती है अम्मा। और अभी 12 में 4 बचे हैं, 8 वो होते तो कितनी बड़ी होती। हाँ, 8 और होते, 6 बहू होती मेरे घर में, 6 बहुआ होती, 6 बहुओं के बच्चे होते तो कितने होते, फिर तो हमारी लड़ाई होती।
गाइस अम्मा की कहानी जो है ना पहले की, तो मुझे तो वो सुन के बहुत दुख भी हो रहा है और कुछ कुछ बातें हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा है। को अम्मा ने इतनी सारी बातें बताई मुझे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पुरानी पुरानी बातें सुनने में। जब मैं बुढ़िया हो जाऊंगी ना तो मैं भी अपने पोती पोतों को अपनी कहानी बताऊंगी कि मेरी अम्मा ना पहले की बातें बताती थी। मैं भी तो बहुत है बताऊं, मेरी सास भूल गई। चलो लेट जाओ, पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, फैक्ट्री खुली थी, अब हमारे घर में ढाबा खुला हुआ है, तो बहुत मजा आता है पहले की बातें सुनने में। गाइस ये देखो फाइनली दीदी आ गई है दूसरे घर पे बाबू को लेके। दीदी कल तो जीजू का बर्थडे है, आएंगे क्या जीजू? गोबर का केक बना ले। गोबर बहुत सारा रखा है, बना लूं? पर उसके इंग्लिश क्या होते हैं? दीदी आते ही वंश का क्वेश्चन पेपर देख रही है कि वंश ने क्या करा है। कौन सा है दीदी? है मैथ का। और वंश ने ये किया है कि हिंदी में जो सीरीज है उसमें तो आंसर ए दिया है, ऑप्शन ए, और सेम क्वेश्चन का इंग्लिश में ऑप्शन डी। समान बच्चा हमारे घर का। अभी ये आएगा स्कूल से, इसका भी सॉल्व कराऊंगी पेपर ये। हाँ सॉल्व करवाना दीदी। ये मैं बता रही हूँ, ये वो खेल क्या है, एन पेन किसको पाया पेन। अच्छा ये वाला पिक हिंदी में भी लगा रखा और इंग्लिश में भी। हाँ वही तो मैं देख रही हूँ, हिंदी में तो उसने इसमें भी ऑप्शन है। हाँ और इसमें इंग्लिश में ए पे लगा रखा है। आज वो गया है संस्कृत का पेपर देने दीदी, और संस्कृत में उसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको पढ़नी आती संस्कृत। ये देखो जिस बच्चे को क्वेश्चन पेपर पे ड्राइंग करने का टाइम मिल जाए तो वो क्या पेपर दे ये बना रखा ये गाइस। ये देखो सब आ गए, मम्मी भी आ गई है, नानी दीदी और मम्मी जा रही है नहाने। मम्मी कह रही है मैं नहाई नहीं हूँ ना, तो कैसा होगा मेरा। तो बुआ तो आ गई है नहा के, तो मैं तो नहीं नहाई ना। बुआ तो अच्छी लग रही है, मैं तो मुंह भी नहीं धोती। चाची बिना नहाई भी अच्छी लग रही है। हाँ कीचड़ लग रही है, बता के आई हूँ कीचड़। सुबह तो मैं हल्का सा मुंह धोती हूँ हाल ही ऐसी। चलो आप सब खाना खाएंगे। दीदी दाल चावल मिस कर रही थी मैं, चाची से ले भी बहुत ब्लॉग में देखती थी ना टीवी में, मैं डरी नहीं, इतना तेज रोई, बहुत रोवा मैं। गाइस खाने का टाइम हो गया है और हमारे घर में बना है दाल चावल। गाइस सबने खाना खा लिया है, अब हम खाएंगे फ्रूट्स। तो कल दीदी लेके आई थी अंगूर और चीकू जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सेब। तो दीदी बताओ क्या खाओगी? मैं अंगूर और सेब, तू चीकू खा। नहीं चीकू पसंद नहीं है। गाइस खाना वाना खा के और फ्रूट्स वगैरह खा के तो मेरे को तो पता नहीं कैसी नींद आई, मैं तो ऊपर जाके सो गई और नानी भी सो गई थी। तो अभी मैं सो के उठ के आई हूँ और देखा तो बत्ती ही नहीं है, ये सारे ऐसे बैठे हुए हैं, और बाबू उठ गई है, वो देखो अपने अपने में खेल रही है बस। जतिन को जतिन की ना उससे ज्यादा लड़ाई होती थी मोनिका से। हाँ तो उसकी दादी ना मोनिका को बहन का कहती थी, कोने में ले जाके मारती थी, कोने में जाकर उसको मारती थी मोनिका को। हाँ एक बार जतिन को वहाँ ले जाके मारा था। भैया की दोस्त थी क्या? हाँ मोनिका, मैं और अन्नू। हाँ, अन्नू भी थी। अन्नू जो आई थी ना अभी कुछ दिन पहले। हाँ अन्नू और जतिन की खूब लड़ाई, और एक बार अन्नू और जतिन ने ना मोनिका को पकड़ लिया। मोनिका से और अन्नू की खूब लड़ाई हुई थी तीनों की आपस में। भैया ने भी तो मारा था किसी को, खोपचे में ले जाके किसको मारा था? मेरे से पिटवाया था। अच्छा एक हाथ जतिन ने पकड़ लिया कन्नू ने, और मुझसे कह रहे इसके पेट में घूसा मार, मैं कह रही कैसे मारू घूसा, यूं कह रहा मार ना मैं देख लूंगा मैंने घूसा मार। गाइस बंदी आ नहीं रही है और बातें बनाए जा रहे हैं, और दीदी इतनी पुरानी पुरानी बातें बता रही है, और मेरी बता रही थी दीदी क्या शिल्पा को बताओ ना, ऐसे लगा लेती थी शिल्पा ना कंचा। गाइस ये देखो घर में लाइट नहीं आ रही ना, तो सब ऐसे बिखरे हुए बैठे हैं। दीदी दीदी तो दिखी नहीं रही है, है? और गाइस ये देखो उस दिन बलगुरिया बनाई थी तो ये सूख गई है। ये देखो मम्मी ने क्या बनाया है, चांद बनाया है, ये पान बनाया है, कंडा बनाया है, और ये बलगुरिया ये देखो सूख गई है, ये थोड़ी गीली है अभी, मम्मी ने कितनी सारी बना दी थी। गाइस आज बहुत मजा आया अम्मा की पुरानी बातें सुनने में, मेरे को तो कहानी की तरह लगती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुनने में अम्मा की कहानी। तो मैं रात को भी अम्मा से ना और कहानियां पूछूंगी, तो मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं आपको जरूर बताऊंगी कल। और कल है जीजू का बर्थडे, तो देखते हैं जीजू का बर्थडे, हम अगर जीजू आएंगे तो हम बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करेंगे। और परसों
परसों हमारा फास्ट है महाशिवरात्रि का, तो कल तो मैं बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाऊंगी क्योंकि पेट भर के खाऊंगी, क्योंकि परसों फास्ट होएगा तो कुछ खा नहीं पाऊंगी, तो कल ही खाऊंगी। तो देखते हैं कल हम जीजू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइज अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमकीन।